हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई सर, आज 7 साल हो गए, हमारा 7 साल का बच्चा, हम किस तरह उसकी परवरिश करें? हम लेडीज हैं, हमको सोचने में, बैठने में, जाने में तकलीफ होता, हम जेंट्स नहीं है सर, हम भी किसी की बेटी बहू हैं। आज डीडीसी के सर वाइफ के साथ ये घटना हो जाए तो क्या करेंगे? 22 सितंबर 2023 को ये मतलब कि बोले कि मार्गदर्शन आने के बाद 2 दिन के बाद आप लोग की नियुक्ति करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है। 22 सितंबर में आया था सर, 22 सितंबर 2023 को आ गया और आए हुए मार्गदर्शन 1.5 महीना हो गया और सर बोले थे कि आप लोग को 2 दिन में नियुक्ति हम कर देंगे मार्गदर्शन आने के बाद। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अनुकंपा आश्रित शिक्षक अभ्यर्थियों ने समाहरणालय का घेराव किया। घेराव करने की वजह से समाहरणालय में पहुंचने वाले ऑफिसर्स बाहर ही रह गए। बाहर उन्हें गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी और पैदल ही उतरकर समाहरणालय में जाना पड़ा। अनुकंपा आश्रितों का कहना है कि डीडीसी के द्वारा उन्हें कई महीनों से दौड़ाया जा रहा है, कभी मार्गदर्शन मांगने तो कभी कोई और बहाना बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि नगर परिषद में अनुकंपा आश्रितों की नौकरी हाल ही में हुई है। जब एक ही नियमावली पर वहाँ नौकरी हो सकती है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? उन्होंने डीडीसी से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन कार्यालय में नहीं होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई तो उपस्थित पुलिस पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। का घेराव करके बैठे हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं, ऑफिसर परेशान है, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत ये है सर कि हम लोग आज 15 मई से हम लोग धरने पर बैठे हैं और हम लोग सभी जितने अनुकंपा आश्रित हैं और हम लोग कोई पिता या किसी की माता या किसी की जो पत्नी है मतलब कि देहांत हो गया उनका, देहांत के बाद मतलब कि ये नियम है, प्रावधान है कि मतलब कि उनको अनुकंपा पे नियुक्ति कराना है, लेकिन अभी तक तो मतलब कि डीडीसी हम लोग को नियुक्ति नहीं करा पाए हैं क्योंकि बार बार हम लोग जब जाते हैं तो टाल मटोल करते हैं हम लोग, और टाल मटोल करके हम लोग को मतलब कि समय दे देते हैं, समय देने के अनुसार कोई काम नहीं करते, फिर जाने पर कहते हैं कि अभी हम नियमावली पढ़ेंगे समझेंगे तब उसके आधार पर हम करेंगे, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद, क्योंकि देखिए ये 22 सितंबर 2023 को ये मतलब कि बोले कि मार्गदर्शन आने के बाद 2 दिन के बाद आप लोग की नियुक्ति करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है। 22 सितंबर में आया था सर, 22 सितंबर 2023 को आ गया और आए हुए मार्गदर्शन 1.5 महीना हो गया और सर बोले थे कि आप लोग को 2 दिन में नियुक्ति हम कर देंगे मार्गदर्शन आने के बाद, लेकिन हम लोग के ही 7 के 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नगर परिषद से आते हैं और उनकी नियुक्ति कराए हुए 1 महीना हो गया और हम लोग की नियुक्ति अभी तक रुकी गई है। हम लोग की जो नियमावली थी पटना से सर, वो 1.5 महीना हो गया आए हुए, सर ने कहा था, डीडीसी सर ने से कहा कि जब नियमावली आएगी तो हम 2 दिन बाद आपकी नियुक्ति कर देंगे। हमारे ही कोई सहपाठी हैं अनुकंपा आश्रित, उनका एक क्लर्क में और एक चपरासी में बक्सरी के स्कूल में नियुक्ति हुई है सर, और जब हम इस बात को कहा जा रहा है तो सर कह रहे हैं कि वो नगर परिषद है, आप लोग जिला परिषद हैं, हम नियमावली को पढ़ेंगे उसके बाद हम नियुक्ति करेंगे। सर जब अनुकंपा की नियमावली 2020 में आ गई है कि शिक्षक में बहाली नहीं होगी, सिर्फ क्लर्क और चपरासी में बहाली होगी, 2 व्यक्ति के लिए वो नियमावली है क्योंकि वो नगर परिषद के हैं, हम लोग 25 व्यक्ति हैं, 114 व्यक्ति हैं तो हमारी नियमावली नहीं है क्योंकि हम जिला परिषद के हैं, ये कहाँ का न्याय है? हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई सर, आज 7 साल हो गए, हमारा 7 साल का बच्चा, हम किस तरह उसकी परवरिश करें? हम लेडीज हैं, हमको सोचने में, बैठने में, जाने में तकलीफ होता, हम जेंट्स नहीं है सर, हम भी किसी की बेटी बहू हैं। आज डीडीसी के सर वाइफ के साथ ये घटना हो जाए तो क्या करेंगे?